दिस मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिकंसिलिएशन। अब तो कर ही सकते, टच में तो रहेंगे ही। क्या करें, दिल है कि मानते ही नहीं ना। अब एक सवाल करके कैसे करेंगे। चलो भाई, प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय मिला कैसे भाई, 8 प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कंपनी कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013 वॉज 1 lakh rupees, वेयर एज द नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड 59,500। तो कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 1 lakh, और फाइनेंस के हिसाब से 59,500। तो दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, पहला पॉइंट खाली इम्पॉर्टेंट है। वर्क हैज कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री। वर्क हैज कमेंस मतलब स्टार्टेड ऑन अ न्यू फैक्ट्री, तो एक नया फैक्ट्री स्टार्ट हुआ है। एंड एक्सपेंडिचर 60,000 इनकर्ड। अब नया फैक्ट्री पे खर्चा हुआ है, इसका तो नया फैक्ट्री में आपने इन्वेस्ट किया है, नए फैक्ट्री में आपने इन्वेस्ट किया है। वर्क हैज कमेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री, एक्सपेंडिचर 60,000। जब भी किसी न्यू असेट्स या न्यू फैक्ट्री में, तो न्यू असेट्स हो गया, उस पर आप कुछ खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उधर लिखा रहेगा पेन से, शायद नहीं लिखा है, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब असेट्स है। तो 60,000 रुपये असेट्स की वैल्यू है। अच्छा, मतलब कौन सा असेट, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री की वैल्यू कितना है, 60,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 5% फॉर द 6 मंथ इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो अगर 60,000 रुपये असेट्स की वैल्यू है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना आएगा, 3,000। ओके, तो 60,000 रुपीज़ अमाउंट। जब भी कोई नया असेट्स या नया फैक्ट्री या जो भी है उस पर खर्च करते, उसको वर्ड बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अमाउंट स्पेंड ऑन द न्यू असेट इज कॉल्ड डैश, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 5% रेट दिया और 6 महीने के लिए, तो 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया। कौन से बुक में, उधर दिया है, इन द फाइनेंस बुक। डायरेक्टर फीस सोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट, डायरेक्टर फीस मतलब एक्सपेंस। शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड इन द ईयर इनकम, उसका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो नॉर्मल है। कंपनी एलोकेटेड 10,000 फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कंपनी एलोकेटेड 10,000 फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये क्या है, RDD। अब प्रोविजन है, प्रोविजन बैड डेब्ट्स कॉस्ट शीट पर आता है, RDD कॉस्ट शीट पर नहीं आता है। RDD कहाँ आएगा, फाइनेंस में। फिर क्या दिया है, ओवरहेड एज पर द कॉस्ट अकाउंट वाज एस्टिमेटेड 17,000, द चार्ज फॉर द ईयर सोन इन द फाइनेंस 1,400। ओवरहेड एज पर द कॉस्ट, एक्सपेंसिव कॉस्ट में कितना है, 17,000, वाइल द फाइनेंस में कितना है, 14,000। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्म प्रिपेयर द स्टेटमेंट रिकंसाइन द फिगर्स सोन इन द कॉस्ट एंड फाइनेंस बुक। ओके, तो खाली वो फर्स्ट पॉइंट खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो नॉर्मल ही है। क्या दिया था अपने को, उधर पे प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट भी दिया है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस भी दिया है। तो कॉस्ट ही कहीं यार, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो, वर्क हैज कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द न्यू फैक्ट्री। क्या दिया था, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 6 मंथ के लिए फाइनेंस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री 60,000 का 5% एंड 6 मंथ के लिए बराबर है, कितना रुपया आ रहा है, पक्का, तो 1,500 फाइनेंस बुक। वर्क हैज कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द न्यू फैक्ट्री एंड द एक्सपेंडिचर 60,000 इनकर्ड, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड इन द एट 5% इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो 60,000 का 5% और 6 महीने के लिए 1,500 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है। ओके, फिर क्या दिया, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना है, 4 फाइनेंस में,
से ट्रांसफर फीस इनकम, शेयर ट्रांसफर फीस फाइनेंस इनकम है तो ऑलवेज फाइनेंस में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहाँ लिखूंगा, इनकम टैक्स फाइनेंस, कंपनी एलोकेटेड 10,000 पर आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट पता आरडीडी कहाँ लिखेंगे, फाइनेंस। ओवरहेड एज पर द कॉस्ट अकाउंट, ओवरहेड एज पर द कॉस्ट अकाउंट 17,000 और एज पर द फाइनेंशियल 14,000, 3,000 प्लस बस। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना था, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 1,00,000। अब क्या क्या ऐड करने के लिए अपने पास, पहला डायरेक्ट क्या डायरेक्ट ओवर दिख रहा है तेरे को, ऊपर नहीं दिख रहा है, हाँ रे ऊपर से माइनस ही है तो ओवर सॉरी ओवर हेड, ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ये मौर्या ने दिमाग मतलब पनौती लगा दी लग रहा है, परसों से बोल रही थी दिमाग मेरा सा खराब हो रहा है, लग रहा ट्रांसफर आज एकदम रिलैक्स है, अब मेरे को ट्रांसफर कर दी। एंड देन क्या है, शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर क्या होता है हम लोग, ये ओवर चार्ज नहीं आएगा, ओवर एब्जॉर्ब, शेयर ट्रांसफर से फीस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंस 2,000 लेस, क्या क्या भाई है, पहला है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ओनली चार्ज इन फाइनेंस 1,500, फिर क्या है आप तीनों को एक साथ लिख सकते हो, डायरेक्टर फीस, प्रोविजन फॉर टैक्स आरडीडी ओनली रिकॉर्डेड बोलो इन फाइनेंस कितना आ जाएगा, 44 बस 45,500, 59,500 आ रहा है, ये हो गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। ये सब सवाल है बोलता, पहले जहाँ से स्टार्ट करते प्लस वाले उधर करेंगे, हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट किया, प्रॉफिट है प्रॉफिट, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड से करने, अब बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ओके है ना, जो प्रॉफिट था लॉस था तो डेबिट साइड किया था इसके पहले वाले सब में, अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 1,00,000 बराबर, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में पहला लाइन आया तो उसमें जो प्लस रहेगा सब क्रेडिट साइड डालना है, अब तो क्या प्लस है, ये दो ही तो प्लस है, बाय ओवरहेड, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट एंड देन बाय शेयर ट्रांसफर फीस, ओ
only recorded in finance. बराबर, तो दोनों प्लस मैंने क्रेडिट साइड स्टार्ट किया, अब क्या करूँ, जितने माइनस वाला सब अपोजिट साइड। पहला है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंस 1500, टू डायरेक्टर फीस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंस, देन प्रोविजन फॉर टैक्स only recorded in finance, and then two provision for tax, क्या था, RD, provision for bad debts, bad debts रहेगा तो cost पे भी आता, लेकिन provision दिया है तो RD खाली financial item है, only recorded in finance, कितना है 10,000 बस, तो 1,05,000 कितना रहा है, 40, 41, 45, 500, 59,500 आ रहा है, क्या है, टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, इसको बोलते हम लोग मेमोरेंडम।